तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है और उसमें अजवाइन डाला है। और हम इसके अंदर अब डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। ये मैंने ड्राई स्पाइसेस, चिली पाउडर, अजवाइन और थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला। तो आज हम बनाएंगे ब्रोकली और पनीर का पकोड़ा, मिक्स पकोड़े बनाएंगे। अब हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। मैं सरसों का तेल रखा है गरम करने के लिए। पकोड़े हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे बनते हैं। आप बना तो किसी भी चीज़ में सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए, जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने पनीर को क्यूब्स में कट करने के बाद मैंने उनके ऊपर ड्राई मसाले मिक्स किए हैं, चाट मसाला मिक्स किया है। अब हम इसको बेसन के साथ मिला के फ्राई करेंगे। ये बेसन है। अब हम एक एक करके पनीर को बेसन के अंदर डिप करेंगे और हम तेल में फूंक देते हैं। इस तरीके करके सारे पकौड़ों को तेल के अंदर फ्राई कर देंगे। अब हमें ऐसा स्लो गैस पर फ्राई करें, अदरवाइज अंदर से पकौड़े ना क्रिस्पी नहीं बनते। मैंने गोभी को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से पानी से, हल्का सा गर्म पानी से इसको वॉश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पकोड़े ऐसे कुछ फ्राई हो गए हैं, अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं। अब हम इनको एक एक करके दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। ये मौसम में तो पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा है। ऐसा नहीं है कि आप बारिश के मौसम में खा सकते हैं, आप कभी भी बनाइए, कभी भी इंजॉय करिए चाय के साथ। तो पकोड़े देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसको एक नैपकिन पे निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से मिक्स पकोड़ा बनकर रेडी हो चुका है। हमने प्लेट लगा ली है। तो हम पकोड़ों का थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हल्का सा हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको मेरी ये मिक्स पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।